फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू वांट मी टू कनेक्ट पर्सनली माय इंस्टाग्राम हैंडल इज lekha_birthday। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भी कुछ दिनों से यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं थोड़ा सा बिजी भी थी एंड मेरे जो आज मुझे वीडियो बनाना था वो मेरे पार्सल भी आने बाकी थे, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, आई नो। लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, वो भी होने वाला है मीशो हॉल। सो अभी जो कमिंग संडे आने वाला है, दैट इज 4th February, दैट विल बी अ फर्स्ट संडे महासेल। सो मैंने सोचा कि चलो उससे पहले वीडियो तैयार किया जाए। सो हमारा आज का जो हॉल होने वाला है, दैट विल बी ऑन क्लचेस। जो भी मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्लचेस मीशो से ऑर्डर किए हैं, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। हमारा जो फर्स्ट क्लच होने वाला है, दैट विल बी अ गोल्डन क्लच। बहुत ही प्यारा सा शेड है, बहुत ही प्यारा सा ग्लिटरी गोल्डन है। सो मैंने नाम भी लिखे रखे हैं यहाँ पे। सो इसका जो नाम है वो है स्टाइल ट्रेंडी वुमेन स्लैश गर्ल क्लच। सो ये कुछ इस तरह का है। इसमें जो हैंडल है वो सिंगल हैंडल दिया है। सो ये ऐसे यहाँ से ओपन हो जाता है, यहाँ पे अंदर के साइड बटन्स दिया है गाइस। सो बहुत अच्छी स्पेस है इसमें। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें अभी पेपर डाला हुआ है, मैं निकालती हूँ। तो देखो, आप देख सकते हैं इसमें आपका आराम से मोबाइल, कुछ मेकअप का सामान वगैरह अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे बीच में एक चेन भी दी है छोटी सी, जिसमें आप अपने कॉइन्स नोट्स भी रख सकते हो। बहुत ही प्यारा बैग है, स्पेशियस बैग है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक ऐसी चेन भी दी है जिससे आप ऐसे स्लिंग बैग होती है ना, वैसे टाइप का ले सकते हो, या फिर सिर्फ ये बंद करके ऐसे भी कैरी कर सकते हो। बहुत ही प्यारी लगेगी। एंड यहाँ पे पूरा स्टोन वर्क दिया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर वर्क है। सो गाइस, ऐसे बैग्स ना जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना, उसमें आप कैरी कर सकते हो। अगर आप ड्रेस वियर कर रहे हो एकदम हेवी वाला, उस पर भी ये जचेगा। साड़ी पे तो ऑलरेडी मतलब जचेगा ही जचेगा। सो बहुत ही प्यारा लगेगा एंड बहुत अच्छा लुक लग रहा है, बड़ी बैग लग रही है एंड अच्छा खासा स्पेस है। मुझे तो बहुत पसंद है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है इसका। सो इसका जो वर्क है काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। एंड बेल्ट भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। सो आई लाइक दिस। ये जो भी मैं अभी क्लचेस आप लोगों को दिखाने वाली हूँ गाइस, सो दैट विल बी अंडर 500। सो आप परचेस कर सकते हो एंड कमिंग संडे आप लोगों को सेल भी मिल जाएगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो बहुत ही प्यारी बैग है, सो आप परचेस कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गो एंड चेकआउट गाइज। नेक्स्ट क्लचेज ऑफ कलरफुल है थोड़ी सी, मतलब इसमें ब्लैक एंड ब्लैक, थोड़ा सा मरून शेड, पीची कलर थोड़ा ऐसा दिया है। वाह, मैंने इसे ओपन करके भी नहीं देखा था, सिर्फ ऊपर से देखा था। बहुत ही प्यारी एंड हैंडी बैग लग रही है। इसका जो ये ऊपर का जो पकड़ने वाला हैंडल है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका भी कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसमें एक चेन है एंड अभी इसमें बहुत सारा पेपर भरा है। ठीक है, आप इतने छोटे छोटे क्लच में क्या ही कैरी करोगे, अपना मोबाइल है, छोटा मोटा लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो वगैरह सब कुछ रख सकते हो। एंड यहाँ पे बीच में और एक चेन दी है जिसमें आप अपने एज यूजुअल कॉइन्स नोट्स कुछ भी रख सकते हो। बहुत ही प्यारा है, एक चेन दी है इसमें एंड अच्छी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसे तो आराम से मुझे लगता है ये तो जीन्स पे भी, मतलब वेस्टर्न लुक पे भी ये अच्छा जाएगा। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो नाम लिखा हुआ है, इसमें लिखा है स्टाइल्स मॉडर्न वुमेन क्लचेस, इतना ही लिखा है। सो या आई लाइक दिस, बहुत ही प्यारी एंड हैंडी बैग है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है गाइस, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। मैं साइड में फोटोज भी दे दूंगी जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो या आई लाइक दिस गाइस। देन आर नेक्स्ट क्लचेस ऑफ नेवी ब्लू कलर की क्लच है। मैंने सारे क्लचेस ऊपर ऊपर से ही देखे हैं, सो अभी मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। वाह, बहुत ही प्यारा है।
ऐसे क्लचेस मैं बहुत कम कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे हाथ में पकड़ के चलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अपनी स्लिंग रही ना तो वो कंफर्टेबल रहती है। सो इसे बहुत ज़्यादा मतलब कहीं पे भी जाओ तो कहीं रख भी नहीं सकते। सो या सो गाइज, इसका जो नाम लिखा हुआ है वो है स्टाइलिश लेडीज क्लच वॉलेट पर्स फॉर गर्ल्स नेवी ब्लू फॉक्स लेदर। यस, ये लेदर का ही लग रहा है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लग रहा है। आगे से कुछ ऐसी डिटेलिंग है, थोड़ा बेल्ट वाइज डिटेलिंग है ये शो के लिए, लेकिन बीच में आप देख सकते हैं पूरा बेल्ट का डिजाइन दिया है, बीच में ऐसा डायमंड कुछ लगाया है, पीछे से एक चेन दी है। यस, बहुत अच्छी स्पेस लग रही है इसमें, ज्यादा नहीं लेकिन है, अच्छी खासी स्पेस है इसमें, क्या ही रखोगे आप। एंड आगे से आप देख सकते हैं, वाह, तीन पॉकेट से, एक दो एंड तीन, सो काफी अच्छा है। बीच में भी आपको दो चेन दी है, सो मुझे तो काफी अच्छी लगी। या स्पेशियस है गाइस, बहुत ही प्यारी लग रही है। एंड इसका जो ये बटन भी दिया है काफी अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे से बंद भी हो रहा है, टाइट भी है, एंड कहीं से कुछ गिरेगा भी नहीं, आराम से दो मोबाइल तो आराम से आ जाएंगे गाइस। सो मुझे तो काफी अच्छी लगी, दिखने में भी काफी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, आई लाइक दिस। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, मस्ट बाय, क्योंकि बहुत ही प्यारी है गाइज। अगर जिन लोगों को ऐसे क्लचेस वगैरह पसंद है ना, ऐसे वॉलेट्स, सो आप कैरी कर सकते हो। ये कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है, वर्थ इट है। इसमें आराम से आपके थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे अगर आप कैरी करते हो तो। सो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, सो यू कैन बाय दिस। अभी जो सेल आने वाला है डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, मैं प्राइस भी दे दूंगी कि मैंने कितने में बाय किया है, सो आपको एक आइडिया आ जाएगा। देन आर नेक्स्ट क्लचेज ऑफ मरून कलर, मरून लग रहा है थोड़ा सा, नहीं ब्राउन कलर है। सो वाव, कलर काफी अच्छा लग रहा है। कहां से ओपन होगा, जो पहली क्लच दिखाई थी ना वैसी ही है, लेकिन इसका जो डिटेलिंग है थोड़ा सा दिखने में वगैरह कुछ अलग है। सो ये कुछ यहाँ से ओपन होगा, एंड इसका यहाँ पे ऐसा बेल्ट भी है, ये निकल भी जाएगा यहाँ से, लेकिन कुछ मतलब नहीं है निकालने का क्योंकि इसका पूरा डिटेलिंग ही ऐसा है। पीछे के साइड आप लोगों को चेन दी है, सॉरी मैं इसका नाम भी बता देती हूँ, इसका जो नाम है वो है हैंड क्लच फॉर गर्ल्स लेटेस्ट स्टाइल फॉक्स लेदर फोर कार्ड सेट्स एंड फोन पॉकेट्स। यस, यहाँ पे कार्ड्स रखने की जगह भी है, सो काफी अच्छी है। एंड तीन यहाँ पे तीन होल्डर्स है, सो आप यहाँ पे एक दो एंड तीन, सो ये भी काफी अच्छी लग रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, वाह। एंड अंदर डिजाइन भी काफी अच्छा दिया है, कलर भी काफी फ्रेश लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर है, लेदर क्वालिटी का है, एंड दिखने में भी काफी अच्छे लग रही है। अगर ये कलर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हो, इवन आप वेस्टर्न वियर पे भी ये कैरी कर सकते हो, मुझे लगता है आप ट्राई कर सकते हैं गाइज। सो आई लाइक दिस। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइज, देन आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन ब्राउन कलर। ब्राउन कलर से ज्यादा मंगवा लिया था क्योंकि दिखने में ही काफी अच्छे लग रहे थे। सो वाओ, सो इसका जो नाम है वो है, इसमें कुछ नाम दिया ही नहीं है, सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी कार्ड होल्डर्स दिए गाइस, सो आप इसमें कार्ड्स रख सकते हो, नोट्स वगैरह रख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इसमें भी तीन पॉकेट्स है, क्वालिटी वाइज ऑसम है, तीनों की भी क्वालिटी सेम है गाइस, सेम लेदर क्वालिटी है। एंड सिर्फ आपको जो डिटेलिंग दी है आगे की जो फिनिशिंग है वो उसमें आपको चॉइस करना है, क्योंकि बहुत तीनों भी जो क्लचेस मैंने अभी दिखा है बैक टू बैक वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है लेंथ वाइज में, सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। पीछे भी चेन दी है जो कि बहुत अच्छी स्पेस है, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत। सो या आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, कलर भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा है। आगे से आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी अच्छी दी है, मैं डिटेलिंग जो है यहाँ पे फ्लावर बनाया है, सो काफ़ी सुंदर लग रहा है। सो या इसे परचेस कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, मुझे तो काफ़ी सुंदर एकदम डिसेंट सा क्लच लग रहा है। सो यू कैन बाय दिस गाइज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो गाइज, देन आर नेक्स्ट बैग इज ऑफ जूट बैग। ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है, मुझे लगा कि मैं आज भी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, ये आज ही रिसीव हुआ है गाइज। सो इसका जो नाम दिया है वो है मालवोलियो स्टाइलिश एंड को फ्रेंडली वुमेन
जूट हैंड क्लच, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये जो जूट बना है ना वो भी एकदम लाइक नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहा है, इतना सुंदर है। यहाँ पे ऐसे कुछ पकड़ने के लिए भी दिया है, आप ऐसे साड़ी पे वगैरह कैरी कर सकते हो, साड़ी पे या ड्रेस पे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो वाओ, स्पेस अच्छी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन आराम से दो तीन चीज़ तो आराम से बैठ जाएगी। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एक आधा हैंडकरचीफ, मोबाइल, थोड़ा सा थोड़ा बहुत अपना जो लड़कियों के लिए मेकअप वेकअप का सामान होता है थोड़ा बहुत बैठेगा, क्योंकि एकदम भी ज़्यादा नहीं है स्पेस और एकदम भी कम नहीं है, मीडियम में है। सो यहाँ पे पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं, लेकिन ठीक है अगर आप ऐसे कैरी कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी कुछ ये दिया है पकड़ने के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं, डिटेलिंग है सिर्फ, ऐसे ही कुछ दिया है लाइक दिस। एंड जो इसका मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा लाइट वेट भी है गाइस, ज़्यादा से भारी भारी नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो पूरा बनाया है ना एकदम नेचुरल लग रहा है, क्योंकि इसके जो ऐसे धागे हैं ना वो भी थोड़े से ऐसे निकल रहे हैं। सो इससे पता चल रहा है कि कितना नेचुरली बैग है, एंड बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डे टू डे लाइफ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो आप यू कैन गो फॉर दिस, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वाओ, सो यू कैन परचेज दिस गाइज। सो गाइज, देन आर लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोडक्ट इज आई मीन क्लचेस ऑफ मरून कलर। इसका जो नाम दिया है वो है फैशनेबल ट्रेंडी वुमेन क्लचेस। सो बहुत ही सुंदर सा कलर है, एकदम मरून कलर है, एंड बीच में इन लोगों ने थोड़ी सी मरून की डिटेलिंग है, वो टिकली वर्क होता है ना छोटा छोटा, वैसा शाइन सा वर्क है थोड़ा, बहुत ही प्यारा है। एंड यहाँ से ओपन होगा गाइस, सो ऐसा कुछ है। एंड यहाँ पे इन लोगों ने चेन भी दी है, सो यहाँ पे आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, यहाँ पे हुक दिया है, सो यहाँ पे अटैच करके ऐसे लटका सकते हो, हैंड बैग की तरह ले सकते हो। एंड अगर आप नहीं चाहते तो इसे फिर से अंदर डाल दो, एंड आपको मैं स्पेस दिखा देती हूँ। सो गाइस, मुझे पर्सनली ऐसे बैग इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा ओपन नहीं होता, अगर आप और ज़्यादा ओपन करने जाओगे ना सो ये यहाँ से टूट जाएगा, सो इसे ना निकालने में मतलब हाथ भी नहीं घुसेगा, इतना छोटा, जिसका पतला हाथ है उसका अच्छा है। सो अगर आपको स्टाइल मारने के लिए चाहिए तो आप ऐसे क्लचेस यूज़ कर सकते हो, कभी कभी अच्छे लगते हैं ऐसे क्लचेस, ये बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे ओपन करने के बाद बहुत स्ट्रगल लगेगा कुछ भी निकालना हो तो, मेरा भी हाथ अच्छे से घुस नहीं रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइज, वर्थ इट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप इसे वेस्टर्न या इंडियन वेयर में कैरी कर सकते हो, अगर आप वन पीस वगैरह कैरी करते हो ना ऐसे कलर का या फिर कोई भी कलर का, तो ये स्लिंग की तरह आप यूज़ कर सकते हो मुझे लगता है। सो एक बार ट्राई कर लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ इस तरह का है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, दिखने में काफ़ी सुंदर है, एकदम एलिगेंट लुक लग रहा है। सो यू कैन ट्राई दिस, मैंने सारे क्लचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गाइस, एंड ऑल्सो मैं फोटोज़ भी दे दूंगी जिससे आपको लुक में भी दिखने में आइडिया आ जाएगा। सो यू कैन ट्राई दिस, 4th फेब को फर्स्ट संडे महासेल है, सो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है, सो जस्ट गो एंड परचेज दिस। सो गाइज, आप लोगों को ये 7 क्लचेस कैसे लगे पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आपको सबसे फेवरेट क्लच कौन सा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो अगर बोलूँ वैसे मुझे सभी अच्छे लगे, लेकिन ये जूट बैग है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट वेट है, एंड ऑल्सो एक ये मरून कलर का क्लच भी काफ़ी अच्छा है, लेंदी है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो मैं इसे ट्राई करूँगी ज़रूर। सो आई लाइक दिस, सो आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में बिलो। सो या दिस वॉज माई क्लचेस वीडियो फ्रॉम मीशो, सो आप परचेस कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो एंड चेकआउट गाइज। एंड गाइज, 2 या 3 दिन में मैं गिव अवे विनर अनाउंस करने वाली हूँ, सो हैव सम पेशेंस एंड जल्दी पार्टिसिपेट भी कर लो गाइज, अभी भी टाइम है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स।